बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आखिर क्यों एल्विश और मनीषा की बॉन्डिंग को एल्विश और मनीषा को किया गया था इतना पसंद हुआ इस वीडियो में ये बड़ा खुलासा। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। वैसे तो बिग बॉस ओटीटी अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हिट सीजन रहा था और आज भी ये कहा जा सकता है कि बिग बॉस सीजन 17 कभी भी बिग बॉस ओटीटी को टक्कर नहीं दे पाएगा और इसकी सबसे बड़ी वजह थी फुकरा इंसान मनीषा रानी और एल्विश यादव की जोड़ी। हालांकि फुकरा इंसान जो हैं जब तक बिग बॉस में थे तब तक बिग बॉस उस नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा था जिसके बाद एल्विश यादव की एंट्री कराई गई। जब वाइल्ड कार्ड में एल्विश यादव की एंट्री हुई इसके बाद से बिग बॉस को आज भी याद रखा जाता है। तो आखिर क्या है वो बड़ी वजह जिसके चलते लोग एल्विशा की बॉन्डिंग को नहीं भुला पा रहे हैं? क्यों आखिर एल्विशा का बॉन्डिंग था रियल और जेन्यून? वैसे देखो मैं एक बात आपको बता दूं, यहां पर मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूं, कुछ उन जो कि फैंडम की तरह नहीं जो अपने रिलेशन ही नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिपिंग कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, बिग बॉस के घर में वैसे तो कई सारे कंटेस्टेंट थे। अभिषेक के साथ मनीषा का हमेशा ही अलग रिलेशन रहा है, भाई बहन जैसा, दोस्त जैसा, लेकिन मनीषा और एल्विश का जो रिलेशन है ना डे वन से बिग बॉस के घर में बहुत रियल था, बहुत जेन्यून था। वैसे मनीषा की दोस्ती बिग बॉस के घर में सबके साथ थी और सभी लोग एक दूसरे के दोस्त थे लेकिन जब राव साहब की एंट्री हुई थी उसके बाद एल्विश यादव और मनीषा की केमिस्ट्री को न्यूट्रल ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने बहुत पसंद किया। मैं आर्मी स्क्वाड या इन जैसे लोग की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सोलोस हो या फिर शिपिंग फैंडम कहीं ना कहीं लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ही बात की है। एल्विश आर्मी कभी भी मनीषा को सपोर्ट नहीं कर रही है, स्क्वाड की तरफ से एल्विश को कभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ एल्विशा को बनाया गया क्योंकि एल्विशा न्यूट्रल ऑडियंस की चॉइस थी। और एल्विश और मनीषा को ना बिग बॉस के घर में क्यों सबसे ज्यादा प्यार मिला उसकी बड़ी वजह है कि एल्विश यादव रियल बंदा था। एल्विश यादव वो इंसान था जो पीठ पीछे किसी की बैक बिचिंग नहीं किया करता था, वो अगर अपने दोस्तों के लिए स्टैंड ले रहा था तो ले रहा था। मनीषा रानी वो लड़की थी जिसने फुकरा इंसान और एल्विश को हमेशा से ही एक करके रखा जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जिया शंकर हो, बेबिका हो, कई लोगों ने झगड़ा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा लेकिन मनीषा वो लड़की थी जो प्योर हार्टेड तो थी ही लेकिन बिग बॉस के घर में आज भी अगर सबसे ज़्यादा कोई रियल था तो वो मनीषा रानी ही थी एज एन फीमेल कंटेस्टेंट। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, अभिषेक भी बहुत रियल थे लेकिन बिग बॉस से निकलने के बाद अभिषेक ने कुछ ऐसे कारनामे किए, कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी की जिसके बाद लोग जो है वो बिग बॉस के घर में ही अभिषेक के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और इसकी बड़ी वजह थी अभिषेक का नेचर। बिग बॉस में जैसे ही एल्विश की एंट्री हुई थी, ये बात आप मानो या ना मानो, एल्विश कभी भी इनसिक्योर नहीं था, एल्विश हमेशा से ही भाईचारा ऑन टॉप रख रहा था लेकिन अभिषेक जो है वो हर बार एल्विश से इनसिक्योर नजर आ रहे थे। और ये बड़ी वजह थी कि पांडा गैंग जैसे बड़े सपोर्टर होने के बावजूद भी अभिषेक मल्हन एल्विश यादव को शो में नहीं हरा पाए थे। मनीषा रानी को आज भी इतना प्यार क्यों मिल रहा है? मनीषा रानी को आज भी लोग सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इवन बिग बॉस से निकलने से पहले ना एल्विश और अभिषेक की बड़ी फैन फॉलोइंग थी लेकिन मनीषा ने जो जनता कमाई है वो तो किसी ने नहीं कमाया क्योंकि मनीषा एक छोटे से गाँव से आकर आज मनीषा रूल कर रही हैं। इवन जो लोग मनीषा को 15 दिन की रानी बोल रहे थे वो उनकी हाइप खत्म हो चुकी है लेकिन आज भी मनीषा रूलिंग क्वीन बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मनीषा ने अपने हेटर्स को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मनीषा ने नेगेटिविटी को ना ही बिग बॉस में हावी होने दिया और ना ही बिग बॉस के बाहर। एक बार को कई सारे लोगों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी की लेकिन मनीषा हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रही हैं। मनीषा सिर्फ और सिर्फ अपने काम से लोगों को एंटरटेन किया है। मनीषा ने सिर्फ और सिर्फ दोस्ती निभाई है, प्यार निभाया है। प्यार के साथ जो रिश्ता था एल्विश के साथ वो लोगों को इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि इनकी जो फ्लर्टिंग थी, इनका रूठना मनाना, प्यार मोहब्बत, सब चीज़ लोग जो हैं वो आज भी मिस करते हैं। देखो ये हैं वो बड़े राज जिसके चलते लोग आज भी एल्विशा को इतना पसंद करते हैं और एल्विशा के प्रोजेक्ट का वेट भी किया जा रहा है बेसब्री से। आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आप भी मानते हो कि जी हाँ, अगर आप न्यूट्रल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो एल्विशा का जो बॉन्ड था ना वो बॉन्ड बहुत रियल था जिसके चलते लोग आज भी एल्विशा जो कि सबसे छोटा फैंडम था आज सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल फैंडम, कॉन्ट्रोवर्शियल शिपिंग फैंडम बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह है एल्विशा का रियल हाइप। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।